हमारी जिंदगी दोस्तों एक छोटी सी प्यारी सी बच्ची जो रोड के किनारे कबाड़ बिनती हुई दिख रही है। इसके हाथों में दोस्तों कलम का होना बहुत जरूरी था। इसे पुस्तकें चाहिए, अच्छा संस्कार चाहिए, इसके जेहन में अच्छे शब्दों का भंडार चाहिए, जिससे इसका जीवन सदैव तत्पर निरंतर आगे की तरफ चलता रहे। क्योंकि दोस्तों बेटियाँ हैं तो हमारा कल है। तो इस वीडियो को देख करके दोस्तों मुझे बहुत ही दर्द हुआ था। ये वीडियो मेरे पास आई थी, किसी महानुभाव ने भेजा था। दोस्तों मैं चलता हूँ, इस बेटी की आज मैं हेल्प करता हूँ। कैसा लगेगा वीडियो में प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा, और ऐसे बच्चों को दोस्तों आप भी थोड़ा हेल्प कीजिएगा। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? इधर आओ पहले सब लोग। चलो बताओ, सब लोग अपना नाम बता दो एक बार। आप अपना नाम गिलाफो, इसका नाम वो इब्राहिम और इसका नाम वो है आदि। आदि, अच्छा आपका नाम क्या है? गुलाबो। ये स्कूल का नाम है? नहीं, लेकिन नाम है। पढ़ने जाते हो? जाते तो छोड़ दिए। पापा क्या करते हैं? पापा का अच्छा सर बताना। सच्ची मुच्ची से भी पूछ लो। सच्ची बता रहे हो? मम्मी कसम, मम्मी की कसम। अच्छा तो आपके पापा का एक्सीडेंट हो गया, वो नहीं है? है। अच्छा, उनकी तबीयत खराब है। और आप क्या करते हो? कबाड़ बिनते हैं। ये भी हम लोग कबाड़ बिनते हैं, हम तीनों लोग साथ में हैं। अच्छा, ये आपका भाई है? हाँ, ये मेरा बड़ा भाई, ये मेरा छोटा, मैं इसकी छोटी सखी। आप छोटी बहन हो इनकी? अच्छा, तो आप लोग दिन भर चचेरे आप लोग दिन भर में कितना कबाड़ बिनते हो? नमस्ते, कैसे हैं आप? ठीक है। तो ये बताओ, अभी जाना नहीं है सबको, पहले ये बताओ। और इधर आ जाओ। क्या खाओगे आप लोग? जो खाओगे वही खिलाएंगे आज। और ये बताओ, आपके पैर में चप्पल नहीं है? तुम नहीं है? तोड़ के अलग हो गई। दिलवाना पड़ेगा, नया दिलवा दें। बोलो फटाफट बोलो, लेना है? चलो फिर। बच्चों के लिए देखिए, अरे बाबू मुँह में अच्छे बच्चे हाथ नहीं डालते, पहले अच्छे अच्छे कपड़े दे दीजिए। अच्छा है, इनको पहना के ट्राई करो। जी बिल्कुल। कैसा लग रहा है? सही ना? ये देखिए, ये ठीक है? ये ठीक है। चलो भाई के लिए फटाफट इनको पहनाइए। वाओ गुलाबू, गुड, नाइस। थोड़ा एक बार, अच्छा रुको, पहले रुको। अब आपको कैसा लग रहा है? कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। जाओ मिरर में पहले खुद को देखो। गुड। सोचने वाली बात है कि नहीं, इतनी क्यूट सी बच्ची को लोग पता नहीं कैसे कूड़ा कबाड़ लोग बिनवाते हैं। रात में कबाड़ बेचती है, 11 बजे मुझे निकलते हैं स्टोर से, तो कबाड़ बिनती है रात में। बताइए, पढ़ना चाहिए बाबू। क्यूट सी, इतने से बात हम किए भी थे, बात करने का अंदाज से पता चल गया। मेरा नाम गुलाबो है। बताइए, इसको पढ़ना चाहिए बाबू को, और लोग पता नहीं कैसे कूड़ा कबाड़ बिनवाते हैं। उनके पापा क्या करते हैं? उनके पापा गद्दी सिलते हैं। तो इतना पता नहीं क्या जरूरत है, मुख से भी तो बोल सकते। अच्छा अच्छा, नहीं नहीं सही सही बता रहे हो। वाह, सलमान खान का छोटा भाई आ गया। तो कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा, थैंक यू। और वो कहाँ गए, मलखान सिंह? उनको भी पहनाइए अच्छा सा। अब ये सही, इनके लिए भी सूज एक टुकड़िया दिलाइए। भाई ये आपके जो कस्टमर हैं बहुत अच्छे कस्टमरों में हैं ये लोग, है ना? खुश हो आप? हंसने के लिए नहीं बोले हैं, पूछने, खुश हो? अच्छा अब बताओ, दिन भर सवाल मुझसे क्यों कर रहे हो, उनसे भी कर। चलो भाई आदिल भाई, आपकी बारी आ गई है। लेकिन झोला तो आपके हाथ में था, वो बैग, क्योंकि पैसा तो ज्यादा आप ही पाते हो, आप ही नहीं, यही पाते हैं सब पैसे। अच्छा वो जो बैग था उसका जो पैसा मिलता है, वो पैसा कौन लेता है? मम्मी लेती है। तो कितना पैसा लेते होंगे लगभग दिन भर में? 100 रुपये। फिर भी बताओ थोड़ा, 100 रुपये 50 रुपये? 100 रुपये दिन भर में। 100 रुपये, या तो 50 रुपये या तो 100 रुपये, इतना आप दिन भर में बिन लेते हो। क्या बिनते हो? क्या क्या वो बोल दिए आदिल भाई, थोड़ा तेज से बोलो, ऊपर आवाज करके। दत्ती लोहा काटी। अच्छा क्या क्या?
डप्थी लोहा कार्टून। डप्थी और लोहा और कार्टून और बोतल। बोतल कौन सा बोतल, शीशे का या प्लास्टिक का? दोनों का। अच्छा, दिन भर में मतलब कितनी व्यवस्था होती होगी? जो आप बिनते हैं तो उसको बेचते हैं तो कितना पैसा मिलता है? छाट के बेचा जाता है। फिर भी सब मिला के कितना पैसा होता होगा? मिलता होगा 100-200 रुपए। तो उस पैसे को कौन लेता है फिर? मम्मी लेती है। अब आप लोग खुश हो जी? थैंक यू। तो अब यहाँ से कहाँ चलेंगे हम लोग? कुछ खाने चलेंगे, मिठाई खाएंगे। आप भी खुश हो? चलो फिर चलते हैं। सर कितना हुआ? सर 9,030 रुपये हुआ। कितना हुआ? 9,000 सर? 30 रुपये। जी सर, यहाँ पे एक बार गिन लीजिए। ठीक है सर। अच्छा लगा आपको? अरे नहीं, अरे अरे आप पिता तुल्य हैं, आप पैर मत छूइए। ठीक है, हम फिर आते जाते हैं मिलेंगे आप। और एक छोटा सा आप हमारी तरफ से ये ले लीजिए, 500 रुपए की ले लीजिए। आप बिंदास लीजिए, ये आपके लिए है पिताजी और ये माता जी के लिए। कोई दिक्कत आपको और कुछ चाहिए? कल मैं आपके पास बैठ। हाँ बैठ जाओ। गुड, सही है ना? सर अपना मुरली वाले। हाँ जी सर, कैसे हैं आप? ठीक है, बढ़िया, फर्स्ट क्लास। थैंक यू। किसे? और क्या खाओगे? बस। अच्छा, जैसे आप लोग कभी लड़ते हो? अगर मुझे कोई मारे तो इसको चोट लगेगी, इसको कोई मारे तो मुझे लगेगी, और मुझे लगेगी तो उसको। अगर कोई हम तीनों मारे तो हम उसको मारते हैं। गुड, सही काम करते हो। मैं भी कुछ खाऊंगा। क्या खाऊंगा? हमारे लायक कोई चीज़ है नहीं। आप क्या खाते हो? कुछ नहीं, बस खाना तो खाते हो। बस मैं कॉफ़ी पीता हूँ। तो कॉफ़ी भैया से बोल दो, लेकर आराम से खाओ। टीवी पे आते हो? टीवी पे आते हो? हाँ। मैं तो टीवी देखती हूँ। आप नहीं देखते हो ना, लेकिन आपको लोग देखेंगे टीवी पे। आप मेरे घर चलोगे? मेरे घर के हो जाओ, वहीं पढ़ाई करो। आपके पापा से पूछ के लिवा चलेंगे। तुम जाओ, मैं जाऊंगी अपने मम्मी पापा को छोड़। अरे तो मैं लाऊंगा पर्डे ना, आपको दिखाऊंगा आपके मम्मी पापा को। नहीं, मेरी मम्मी, मेरा घर बहुत दूर नहीं है, पास में है। बताऊंगे नहीं। रोडवेज जानते हो? रोडवेज वहाँ तक जाते हो पैदल? बस बस तक जाते। अच्छा, आपको खाने में क्या क्या पसंद है? चॉकलेट। उनको बुलाइए ना भैया। आइए भैया, ये देखो जुया जी क्या बता रहे हैं खाने के लिए। क्या? मुझे चॉकलेट खा ली। मुझे अंकल एक 20 वाली कोल्ड ड्रिंक। नुकसान तो नहीं करेगा? नहीं। सच्ची बताना। सच्ची मुच्ची। भैया कहाँ गए बुलाइए? बताइए क्या बोल रहे हैं आप? आप नहीं पियोगे? आप भी नहीं, नुकसान करेगा। हाँ अच्छा, सॉरी पिज्जा।
क्या अच्छा आज आप लोगों को कैसा लग रहा है? आधा खाओगे आधा छोड़ोगे? ये बताओ तुझसे क्या हुआ, आज कैसा लग रहा है? अब इसको लूं तो पीना पड़ेगा ना? जरूरी नहीं है, मुझे जरूरी है। सुनो थोड़ा बहुत पी लो, जो पहले भाई को वो खिलाए। खाओ बढ़िया फर्स्ट क्लास, और अपने इसको आगे कर लो ये यहाँ पे। हाँ गाड़ी चल रही है चार चक्का से। हाँ सुनो अब आराम से जाने दो, उठा के ऊपर रखो, चला जाए फिर। रुको आप लोग फटाफट रेडी हो जाओ, डस्टिंग कर लो, इससे हाथ पोछ लो। मैं पैसे पे करता हूँ, पहले मैं पैसा पे करता हूँ। चलो चलो चलो, और कहीं कुछ खाना है? तो चलो आप ये बताओ गाना किसको आता है? मुझे नहीं आता। आपको आता है? नाचना आता है। नाचना अच्छा, आपको भी डांस करने आता है? चलो ठीक है, आप लोग खुश हैं, फिर हम मिलेंगे आप लोगों से। ठीक है, जय हिंद। ठीक है, एक बार बाबू प्लीज़ एक बार सेलेक्ट कर दो। थैंक यू जी, ओके थैंक यू। एक बार जय हिंद बोल दो, फिर से बोलो थैंक यू बाय भैया बाय। तो थैंक यू दोस्तों, आज के लिए बस इतना है, और फिर मिलते हैं किसी वीडियो में। दोस्तों इस तरीके से इन मासूम बच्चों को देख करके रहा नहीं जाता है, ये हमारा जौनपुर शहर है। तो आज के लिए बस इतना ही, और फिर मिलते हैं किसी वीडियो में। दोस्तों ऐसे मासूम लोगों के लिए हेल्प करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। वीडियो कैसा लगा आप मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। जय हिंद और बाय।